श्री विघ्नराजं भजे, श्री विघ्नराजं भजे, ए श्री विघ्नराजं भजे। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उसका पता क्या, पर कुछ छोड़ गए इन पर अपने कदमों के निशाने। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ विशिष्ट व्यक्ति अपने अतिसराहनीय कार्यों के द्वारा सर्वदा स्मरणीय हो जाते हैं। उन्हीं महानतम व्यक्तियों में से एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिनके 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए मैंने काशी के कुछ अतिसम्माननीय व्यक्तियों व बुद्धिजीवियों से महामना के संदर्भ में उनके संस्मरण व व्यक्तिगत अनुभवों को जानने का प्रयास किया है, जिन्हें मालवीय जी के साथ या उनसे संबंधित कार्यों से जुड़ने का सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनमें से कुछ लोग महामना के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त करते हुए इतने भावुक हो उठे कि अस्त्रपूरित नेत्रों व रुद्ध कंठ से महामना की ऐसी छवि व्यक्त की। चलिए उन्हीं की जुबानी उन प्रेरणादायक संस्मरणों, उनके विचारों व अनुभवों को सुनते हैं और लाभान्वित होते हैं। निश्चय ही हमारा यह प्रयास आपको महामना के संदर्भ में कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की नींव सन 16 में दी। उस समय भारत एक गुलाम देश था। ऐसी हालत में ऐसे विश्वविद्यालय की नींव डालना बिना पैसे के, और एक विश्वविद्यालय एक भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए, और पैसे मांग मांग करके बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये करना संभव नहीं होता। और इसके बाद उनका इतना बड़ा विजन था कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने शुरू किया। करीब 1,500 एकड़ के जमीन है जिसमें बना है, कि तब से विश्वविद्यालय बढ़ते ही जा रहा है, अभी तक जगह बची हुई इसमें पूरी नहीं हुई। ये कोई आदमी सोच करके बनाया कि 100 साल के बाद भी इसमें जगह रहे, ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और वो पैसा लाए, मांग के लाए, और पूरा इतिहास बताता है किस तरह से कि एक एक रुपए उन्होंने कलेक्ट किया, इसको बनाया। और फिर यहाँ के जो वाइस चांसलर्स रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे लोग यहाँ के वाइस चांसलर रहे, उनको बुला के लाए यहाँ रखा। आज मालवीय जी का विचार था कि यहाँ के विद्यार्थी भी यहीं रहें, यहाँ के अध्यापक भी यहीं रहें, और अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ के विद्यार्थियों का वो चरित्र निर्माण करें, केवल वैज्ञानिक ही, फिलोसफर ही,
इंजीनियर से ही न निकालें यहाँ, बल्कि उनके पूरे चरित्र का निर्माण करें, ताकि वो ऐसे नागरिक बन सकें जो अपने देश को प्यार करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, बड़ों का सत्कार करते हैं, इसके साथ ही साथ वो अपने को इस योग्य बनाएं कि विश्व भर में किसी भी और लोगों से कम्पीट करके अपना एक स्थान बनाएं। तो ये सिद्धांत था उनका, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको अचीव करना कोई आसान चीज नहीं है। अब तीसरी बात उन्होंने जो सोची ये थी कि जो बीएससी के बाद लोगों का एडमिशन होता है बीएससी में, अंडर ग्रेजुएट भी नहीं होता वो, अगर एमएससी और रिसर्च में होता है। आज ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय को अच्छा विश्वविद्यालय बनने के लिए सब कुछ उसमें होना चाहिए, तो ये उनका विजन था। आज फिर से हम लोग सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट भी होना चाहिए, कॉलेजेस भी होने चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए। आज उन्हीं की देन है कि हमारा जो आईटी है आईआईटी भी अच्छा बन गया। ये तो हमको दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखता जिसका कि इतना बड़ा विजन रहा। हम लोग 150वें जन्म दिवस मना रहे हैं उनका, पिछले साल से शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, 25 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुत होगी, जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं और बहुत और डिग्निटरीज आ रहे हैं इस समारोह में भाग लेने के लिए। इससे यह साबित होता है कि पूरा देश ही मालवीय जी का कृतज्ञ है और मालवीय जी को बहुत आदर की दृष्टि से देखता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 27 दिसंबर को इसका सेलिब्रेशन शुरू किया था और प्रेसिडेंट आकर के इसका जो सेलिब्रेशन है इसको समाप्त करेंगे, तो हम लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, यदि हम उनके उद्देश्यों को चल करके उनके सपनों को पूरा करें, जो उनका उद्देश्य था कि जो हमारे विद्यार्थी यहाँ से निकलें वो ऐसे चरित्रवान हों जैसा कि वो चाहते थे और विश्व में अपना स्थान बना सके। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के दर्शन तो हमको 1936 में, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था, 7th क्लास में था, गवर्नमेंट जुबली हाई स्कूल गोरखपुर में, तब मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ उनका दर्शन करने का। रात को, दिसंबर का महीना था, रात को 10 बजे खबर आई, हमारे हेडमास्टर थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय के जामात्रा लगते थे, उनका नाम था पंडित शंकर दत्त मालवीय। तो वहाँ से खबर आई हॉस्टल में कि बनारस से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय आए हैं, हॉस्टल के सब बच्चे आकर उनका दर्शन कर लें। तो हम लोग तुरंत भागे, छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे, जाड़े का दिन, अपना कोई मफलर लपेटे कोई कंटो पहने हम लोग वहाँ गए। वो हमारे जो हेडमास्टर थे पंडित शंकर दत्त मालवीय, उनके घर के सामने वो खड़े थे, चांदनी रात थी और सफ़ेद अपने वस्त्र में, पगड़ी सफ़ेद, चंदन लगाए हुए और सफ़ेद कपड़े का जूता भी। और जैसे ही महामना ने बच्चों के झुंड को देखा, हम छोटे बच्चों को, तो वो तुरंत मुड़ के उन्होंने कहा कि अरे शंकर दत्त, हमारे हेडमास्टर कहा अरे शंकर दत्त, इस सर्दी में तूने बच्चों को क्यों बुला लिया। हम लोगों ने तुरंत जो है उनका जैसे झुक के प्रणाम किया, चरण छुआ, उन्होंने कहा अरे बच्चों जाओ जाओ जाओ, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो, पूरेंगे सब काम।
और हम लोग जाओ जाओ जाओ, हम लोग अपना कांपते हुए सर्दी में फिर वापस आ गए। तो मेरा पहला मौका था जब महामना के दर्शन हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मेरा बचपन उनकी गोद में बीता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित बाबूलाल त्रिपाठी, जो कि गणित में यहाँ पर बीएचयू में प्रोफेसर थे गणित विभाग में, वो मुझे हमेशा मदन मोहन मालवीय जी के बड़े निकट होने के कारण मुझको ले जाया करते थे उनके घर पर। और मालवीय जी का बहुत स्नेह मुझे मिला। मैं 5 साल की थी तो मुझे जब पहली बार मालवीय जी के पास ले गए पिताजी, तो उन्होंने पूछा कि बेटी क्या बनेगी बड़ी हो करके। तो हमने कहा कि बाबूजी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो उन्होंने कहा तू इसी विश्वविद्यालय में आना, मैं तुझे यहीं पर नौकरी दूंगा। और हमारे पिताजी से कहा कि इसको खूब पढ़ाओ, इसको डॉक्टर बनाना, और डॉक्टर बनने के बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही आके काम करेगी। उस समय उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, मैंने प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना से MBBS किया 1950 में, और फिर वहाँ से आई तो शुक्ला जी के साथ, प्रोफेसर BM शुक्ला जो केमिस्ट्री में लेक्चर थे, उनसे शादी हुई। और मैं सोचे थे कि प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगी, लेकिन एक दिन एकाएक गोविंद मालवीय जी वाइस चांसलर थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि तुमको चल करके अन्नपूर्णा चलो, मेडिकल ऑफिसर का काम करना है और होम साइंस पढ़ाना है। तो हमने कहा हमको होम साइंस तो बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन दिमाग में आ गया कि मालवीय जी ने कहा था कि इस विश्वविद्यालय में ही काम करना। तो हमने सोचा उनका आदेश है, तो ये सोच करके गृह विज्ञान में लेक्चरर का अपॉइंटमेंट मेरा हुआ। मैं समर्पित रही और 40 वर्ष इस विषय को बढ़ा करके उसका डिपार्टमेंट क्रिएट करके करने वाले भगवान हैं। लेकिन मालवीय जी का आशीर्वाद था कि डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट टीचिंग पहले होती थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम्स, और बहुत आगे बढ़ गया। और ये जो डिपार्टमेंट है ये पूरे पूर्वांचल में उसने नींव डाली होम साइंस की। जितने कॉलेजेस पूर्वांचल में अभी हैं, सब जगह BHU का जो पाठ्यक्रम और सिलेबस मैंने बनाया था, वही सब जगह फॉलो किया जा रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसे आता है जिस समय में महापुरुष एक के बाद एक जन्म लेते हैं। 1861 ईसवी 100 वर्ष था जिस वर्ष विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र राय, PC रे, जिन्होंने संस्कृत साइंस कॉलेज की स्थापना की कलकत्ते में, और मदन मोहन मालवीय, इस तीन विभूतियों को भारत ने जन्म दिया 1861। आज उनका 150 वर्ष पूरा हो गया है। आज के दिन इनका संस्मरण करना हम लोगों के लिए पुण्यतम कर्तव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतवर्ष किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है इसका एक अंदाजा इन लोगों के चरित्र की आलोचना करने से हम लोगों को अनायास बोधगम्य होता है। ये लोग भारत की महिमा को अपने पूर्ण स्वरूप में किसी तरह से प्रत्यक्ष किया था, और करने के साथ साथ दो चीजें होती हैं। एक तो होता है अंधविश्वास, श्रद्धा का जाड्य, श्रद्धा की जड़ता, वो इन लोगों में नहीं था। भारत के ज्ञान विज्ञान के प्रति आस्था थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वैदेशिक ज्ञान का विदेशी विद्या का बहिष्कार किया जाए। तो नए सिरे से सारे राष्ट्र को जगाने के क्षेत्र में काम शुरू किया इन तीनों ने किया। रविंद्रनाथ ने विश्व भारती की स्थापना की, और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, और दोनों में संबंध भी था। रविंद्रनाथ को कई बार उन्होंने आग्रह पूर्वक बुलाया यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर मैसेज ऑफ द फॉरेस्ट तपोवन नाम से उन्होंने भाषण दिया था, और रविंद्रनाथ के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। मैं यहाँ विद्यार्थी के रूप में 1950 में आया। मालवीय जी महाराज के शरीर तब तक समाप्त हो चुका था, परंतु उनके विषय में जब शरीर छूटा तो होशंगाबाद में था। मैं रात को 12 बजे या 11 बजे डुंगी पिटी म्यूनिसपैलिटी की ओर से, उसमें यह कहा गया कि महामना मालवीय जी का शरीर छूट गया। तो हमारे मामा जी ने हमको उनका परिचय दिया, बोले वो यहाँ आए थे और उन्होंने
मुझसे कहा कि तू चल पढ़ने हमारे साथ, तो माता पिता का दायित्व था, इस कारण मैं उस समय पढ़ने नहीं गया। किंतु वो मालवीय जी ने जो उनको आदेश दिया था, वो आदेश का रत्न हमारे ऊपर सफल हुआ। हम सन 50 से 59 तक यहाँ विद्यार्थी रहे, और यहाँ से शास्त्री 3 वर्ष की, आचार्य 3 वर्ष का, और 1 वर्ष बीच में गैप, और फिर एमए 2 वर्ष का। वो विद्वत हमने 59 में एमए किया। ये संभव था ही नहीं यदि ये विश्वविद्यालय ना होता तो। इसीलिए इसको विश्वविद्यालय को हम कहते हैं कि ये संस्कृत के लिए और अत्यंत अकिंचन व्यक्ति के लिए कल्प वृक्ष है। हम उतरे स्टेशन पर, 1.5 रुपया हमारे पास था, और कैसे भोजन होता, कैसे रहते, क्या होता, परंतु सब व्यवस्था यहाँ हुई। और हम पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए हमारा मन विचलित नहीं हुआ, और गुरुजी हमारे प्रोत्साहन देते थे, इसलिए भी ऐसे अध्यापक उन्होंने चुन चुन कर नियुक्त किए थे यहाँ। तो एक वातावरण था यहाँ। और हमारा एक काव्य अभी छपा है, उसमें हमने काशी का वर्णन किया। काशी के विषय में हमने लिखा है कि ये कोई नगर नहीं है, अपितु यह पूरा नगर एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का कोई विषय होता है, तो काशी का विषय क्या है जिसे आप विश्वविद्यालय कह रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिखा है कि मुक्ते है राजधानी, मुक्ति यहाँ का सब्जेक्ट है, और काशी में मुक्ति मिलती ही है। और उस समय विश्वविद्यालय नहीं था कोई भी, ना ये विश्वविद्यालय था न वो विश्वविद्यालय बाद में बना। और यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे जिनसे पढ़ने के लिए लोग आते थे, तो वो विद्वान ही उनको भोजन कराते थे, वही स्वयं उनको पढ़ाते थे, ये यहाँ का सिस्टम था। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यधारिता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत। पूज्य मालवीय जी महाराज का जीवन दर्शन इसी पर आधारित था। धर्म का सर्वस्व है, सार है, उसको सुनो और सुन के अपने जीवन में धारण करो। जो चीज़ अपने प्रतिकूल है वह दूसरे के साथ वैसा व्यवहार, वाणी, विचार, कर्म नहीं होना चाहिए। एक श्लोक है उसके मालवीय जी महाराज के निजी व्यक्तित्व का पूरा शब्द चित्र बन जाता है। अकुंठम सर्व कार्येषु धर्म कार्यार्थ मुद्यतम वैकुंठम ही चतद्रूपम तस्मय धर्मात्मने नमः। सब कुंठारहित होकर धर्म का कर्म जितना है, कार्य है, उसका संपादन करने वाला अकुंठम सर्व कार्येषु धर्म कार्यार्थ मुद्यतम वैकुंठम ही चतद्रूपम तस्मय धर्मात्मने नमः। ऐसा धर्मात्मा जो है, उसका जीवन का आदर्श जो है, वही वैकुंठ है जहाँ हरि का निवास होता है। तो पूज्य मालवीय जी महाराज का यह आदर्श था, तदनुसार उन्होंने जीवन यापन किया और कर्म किया और विचार किया और लिखा है। धर्म के 10 लक्षण हैं, ऋतिक क्षमा दमोस्ति अशोचम इंद्रिय निग्रह ते विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। इसमें अक्रोध जो है यह जरा कठिन पड़ता है, क्रोध ना आवे, क्रोध का अभाव हो। पूज्य मालवीय जी महाराज के जीवन में क्रोध नहीं था। हाँ, एक बार उन्होंने किसी को, बैलगाड़ी वाले को बैल को मारते देखा, उसी ने उनको क्रोध आया था। महामना मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन शीर्षस्थ नेताओं में हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे
संग्राम को एक दिशा दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, ये ऐसे महान विभूति के रूप में हमें मिले जिन्होंने अपनी अपनी तरह से संपूर्ण भारतीय मानस को आंदोलित किया। और इसलिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का प्रमुख रूप है इस स्वतंत्रता के संग्राम के अग्रणी नेताओं में। इस पूरे संघर्ष के अंग के रूप में उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलनों को आरंभ किया। स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या होगा इसकी व्यवस्थित कल्पना की, कैसे उसका हम आगे नियमन करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, इसे भी उन्होंने अच्छी तरह से सोचा था। और इसलिए जिस प्रकार भाषा को लेकर उनके मन में एक विशेष चेतना थी, हिंदी को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया, जैसा स्वयं महात्मा गांधी ने किया था, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी उसी तरह से इस कार्य को किया। मालवीय जी का व्यक्तित्व अत्यंत विशाल था। वो देव पुरुष की कोटि में आते थे, वो मानव कोटि में हमें नहीं मानता। वो वास्तविक रूप से एक ब्राह्मण थे। हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा है कि मानव के ब्राह्मण के षटकर्म है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना। मालवीय जी जैसा विद्या के प्रति अनुरागी और जितना उनको विद्या के प्रति विचार था कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना की, वो अपने क्षेत्र के विद्या के क्षेत्र के वो एक हस्ताक्षर पुरुष थे। तो यहाँ जो कॉन्वोकेशंस होते थे उसे मालवीय जी को सुनने का मौका मिला था। वो जब भी भाषण देते थे तो एक एक शब्द उनका लगता था जैसे कि ब्रह्म वाक्य है और भगवान के मुख से निकली हुई वाणी लगती थी, और जो कुछ भी कहते थे पिन ड्रॉप साइलेंस से सब लोग सुनते थे। बहुत ही मेहनत, बहुत ही अथक प्रयास करके एक सामान्य व्यक्ति अथक प्रयास करके इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। घर घर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगा है, भिक्षा मांग मांग करके वो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। आज हमारे विश्व में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है, और जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है, मालवीय जी वहाँ वहाँ जो है विराजमान है, किसी न किसी रूप में वो विराजमान है। हम लोग का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज जो मालवीय जी के से कुछ समय, कुछ पलों का उनका जो है संबंध रहा है। जैसे कि हमारे पिताजी के कुछ संस्मरण है तो मालवीय जी के विषय में बताते थे कि वो उनके पास कोई भी, एक तो मालवीय जी कट्टर हिंदूवादी थे, हिंदुत्व के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। मालवीय जी में और गांधी जी में हमेशा से यही रहा है, हाँ मालवीय जी सर्वधर्म को के साथ साथ हिंदू पक्ष को मान करके चलते थे। हमारे गांधी जी जो है वो सबको एक साथ लेकर सर्वधर्म समन्वय वाली भावना थी, इनके साथ ये होने के साथ साथ हिंदुत्व की बहुत बड़ी बात है, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ। इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम रखा। मदन मोहन मालवीय जी भारतीय पुनर्जागरण की एक अद्भुत देन है, और आप ऐसा समझिए कि वो एकमात्र विभूति हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लगाए 12 नवंबर 1946 जब उनका देहावसान हुआ था तब तक लगातार वो राष्ट्रीय क्षितिज पर छाए रहे। वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की
आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मूल्य आधारित परिवर्तनों के लिए जीवन भर वो काम करते रहे। लेकिन एक शुचितापूर्ण और मूल्याधारित समाज बने इसके लिए तो उनका सर्वप्रमुख आग्रह था ही। लेकिन जो बात मदन मोहन मालवीय के बारे में लोग ज़्यादा अवगत नहीं है वो हैं उनके आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तनों के बारे में जो क्रांतिकारी विचार हैं। मदन मोहन मालवीय को मैं ऐसा समझता हूँ और मैंने जो थोड़ा सा अध्ययन किया उसके जरिए मुझको ये समझ में आता है कि मदन मोहन मालवीय को भारतीय राष्ट्र निर्माताओं में सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। उन्होंने प्रारंभिक राष्ट्रीयता के दौर में भारतवर्ष में जिस तरह के आर्थिक परिवर्तनों की बात की और औद्योगिक समाज बनाने के लिए जो उन्होंने बल दिया इसके लिए उनको जाना जाना चाहिए। और इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि जो बातें वो कह रहे थे उनका दरअसल निहितार्थ क्या था। फिर 1938 में इलाहाबाद ये दिसंबर के महीने में जो स्नान होता है उसमें हम अपने परिवार के साथ, हमारे माता और पिता के साथ हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद से लौटते वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखने की इच्छा हुई और महामला के दर्शन, फिर मालवीय भवन में महामला के दर्शन हुए। उस वक्त बीएचयू का गेट नहीं था, न चारों तरफ इसके कोई दीवार थी। बड़े बड़े लंबे बांस लगाए जाते थे सीमेंट के खम्भों में, कोई गेट वगैरह नहीं था। उसी वक्त से कुछ भावना ऐसी हुई कि इस विश्वविद्यालय जो है ये जब मैं हाई स्कूल कर लूँ तो यहीं पर आके पढ़ूँगा। उसके बाद 1940 में मैं आ गया हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ विद्यार्थी हो के उस वक्त इंटरमीडिएट क्लासेस भी कैंपस पर चलती थी। और फिर महामना के दर्शन बराबर 8 वर्षों तक होते रहे, बराबर 6 वर्षों तक होते रहे। हमारा 1946 में उनका देहांत हुआ तो तब तक हम लोग बराबर दर्शन होते रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे कुलपति थे। गीता लेक्चर जब हुआ करता था तो महामना बराबर आते थे। बहुत जर्जर हो चुके थे स्वास्थ्य में, मगर उनको लाकर कुर्सी पर लाके लोग बैठा देते थे। और हम बच्चों में ये होड़ लगी रहती थी कि महामना के चरणों के पास कौन बैठे, ताकि उनका पैर जो है हम लोग के पीठ पर आशीर्वाद स्वरूप लगता रहे। हमें भी कई बार इसमें सफलता मिली कि महामना के चरणों के पास बैठ के डॉक्टर राधाकृष्णन का गीता लेक्चर सुनने का आर्ट्स कॉलेज हॉल में ये मिला हम लोग को। यहाँ काशी आकर विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि देखा कि पूरा नगर ही विश्वविद्यालय है। ये संकल्प क्यों लिया उन्होंने, इलाहाबाद में ही विश्वविद्यालय दूसरा बन सकता था अथवा अन्यत्र कहीं बन सकता था, और कई आश्रम उन्होंने बनवाए हैं हरिद्वार इत्यादि। ये चुना उन्होंने इसलिए कि यहाँ प्राचीन विद्याएं भी हैं और नई विद्याएं भी यहाँ हम इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, तो सर्व विद्या की राजधानी। मदन मोहन मालवीय उन दिनों भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक नेताओं की पंक्ति में भी विशिष्ट स्थान के अधिकारी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जाने का प्रश्न हुआ तो महात्मा गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय भी अन्यतम व्यक्ति के रूप में उस कॉन्फ्रेंस में योगदान किया था। इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना जब की, पूरा संस्कृत पंडितों की परंपरा के साथ संबंध रखने के लिए काशी के श्रेष्ठ पंडितों से उन्होंने संबंध स्थापित किया और शुरू से ही यहाँ पर संस्कृत विद्या को एक विशेष महत्व देने का प्रयास उनका था। हम लोग सुने हैं उन्होंने नियम बनाया था कि सभी फैकल्टीज में, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे लॉ, चाहे आर्ट्स, चाहे साइंस, हर एक में संस्कृत वॉज मेड ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। एक साधारण कोर्स बना करके, टेक्स्ट बना करके हर एक को उस परीक्षा को देना पड़ता था।
उसमें पास करना आवश्यक नहीं था, लेकिन परीक्षा हर एक को देना आवश्यक था। मालवीय जी विश्वविद्यालय बनाने के लिए तो बहुत पहले से संकल्पित थे, लेकिन वो पहले हाईकोर्ट की प्रैक्टिस करते रहे वकालत की, और उसी प्रैक्टिस के दरमियान उन्होंने तय किया कि हमें एक विश्वविद्यालय बनाना है। उसी का संकल्प लेके फिर विश्वविद्यालय के निर्माण में जुटे, बहुत लोगों से चंदा मदद। ये जो विश्वविद्यालय का परिसर है, ये पूरा का पूरा परिसर महाराज बनारस से मिला हुआ है, और अन्य जितनी भी रियासत रही सबों ने इसमें मदद किया है। चंदा लेके मालवीय जी ने इसका निर्माण किया। 1910 में उन्होंने वकालत छोड़ा, देश सेवा के लिए वकालत उनकी छोड़ दिया। उस समय उनकी वकालत बहुत बहुत ज़्यादा धन उससे आता था, और उसको छोड़ दिया। उनके द्वितीय पुत्री होते उन्होंने कहा, बाबू अब आप देश का काम करिए। हमने बहुआ मैंने हमारी नानी श्रीमती कुंदन देवी, उनके नाम फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया है, घर का जिम्मेदारी पूरी वहन हो जाएगी, अब आप देश के लिए काम। 1910 में वकालत छोड़ने के बाद केवल एक बार वो हाईकोर्ट में अपीयर हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। चौरी चौरा कांड में सैकड़ों आदमियों को सजा हुई थी, जिसमें 200 आदमियों को फांसी दी गई। तो उनको डिफेंड करने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीयर हुए। उनकी बहस पूरी होने के बाद जब जज ने, दो जज की बेंच थी अंग्रेज की, अंग्रेज जज, तो फैसला सुनाने के पहले उन्होंने मालवीय जी से कहा, हम आपको पहले से सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा कि आपकी एडवोकेसी जो है विश्व के कोई भी वकील इससे अच्छा एडवोकेसी का उदाहरण नहीं उपस्थित कर सकती है। आज जिन लोगों को आपने फांसी से छुड़ाया है, इनकी तो उम्र कैद की सजा कटवाया है, इनको दोष मुक्त किया है, इनकी आने वाली 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी आपको याद करें। तो मालवीय जी के घर में मालवीय जी की जो पत्नी है उनसे भी मैं बड़ी प्रभावित थी, क्योंकि उनके सर पर आँचल हमेशा यहाँ तक रहता था। अगर कोई विद्यार्थी भी आ जाए तो उसके सामने भी आँचल रहता था। वो एक दिन मुझसे कह रही थी कि अन्नपूर्णा, मैं मुझे बुखार हुआ, मैं दवाई नहीं लेती हूँ, गंगा जी में स्नान करती हूँ, गंगा जी से कहती हूँ कि हे माँ मुझे ठीक कर दीजिए, और मैं ठीक हो जाती हूँ। और मालवीय जी तो उनका तो बहुत ही सादा जीवन था, और बड़े नियमित ढंग से वो भोजन करते थे, बहुत सादा पवित्र भोजन होता था उनका। तो उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी ग्रैंड डॉटर के साथ में, विभा मालवीय के साथ में रहने के कारण मुझे और भी कई बार जाने का मौका मिला था मालवीय भवन में, और मालवीय जी को पास से देखने का मौका मिला था। उस विश्वविद्यालय का उनका जो संकल्प था कि हम यहाँ विद्यार्थी ऐसे पैदा करेंगे जो उभयज्ञ होंगे, आईटी वाला संस्कृत वाला होगा, संस्कृत वाला भी अन्य विद्याएं जानता हो, और संस्कृत के जो अध्यापक यहाँ नियुक्त किए थे, जो सब विश्वविद्यालय में अन्य फैकल्टियों में जाके पढ़ाते थे, उनमें एक डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी हैं, और उनमें पंडित बाबूलाल मिश्र थे, और उसके पहले भी 2 अध्यापक थे। ये उनकी दृष्टि थी कि आईटी वाला भी भारतीय विद्याओं को जाने, और भारतीय विद्यालय वाला जो है वो भी आयुर्वेद हमारे संस्कृत कॉलेज में ही खुला था। ये उनकी समन्वय की दृष्टि थी, परंतु वो धीरे धीरे संशोधनवाद में बदलती गई। मालवीय जी ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया वो था स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक
महान विश्वविद्यालय की परिकल्पना की, जो स्वतंत्रता की बात के भारत का निर्माण भी उसी तरह से कर सकता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा विलक्षण है, थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी संपूर्ण परिकल्पना देश की स्वतंत्रता के रूप में स्वदेश और स्वदेशी की अवधारणा को बल देने के लिए और पराधीन भारत में उस संघर्ष को अधिक से अधिक शक्ति देने के लिए और स्वाधीन भारत में उसके पुनर्निर्माण के लिए सब कुछ कर सकने के योग्य एक महान शिक्षा संस्थान की स्थापना के रूप में उन्होंने दी। मालवीय जी का अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो एक बालक का भी व्यक्तित्व था, एक महामानव का व्यक्तित्व। वो दुखियों को देख करके रोया करते थे और जो उन्होंने समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य बोध होता है व्यक्ति का, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन किया उन्होंने। समाज सुधार के नाम पे जो उन्होंने अछूतोद्धार किया है, जो हमारे धर्म के प्रति जो अनुराग होना चाहिए वैसा अनुराग आज के समय में वर्तमान परिवेश में दिखाई नहीं पड़ता है। हमें 1942 का वो भी दिन याद है जब भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता बापू जेल जाते वक्त उन्होंने कहा था कि करो या मरो। तो हिंदू विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में जो भाग लिया था वो तो एक इतिहास बन गया है। 9 दिनों तक यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हमारा एक क्षेत्र था। हम रोज सवेरे टोलियाँ बनाकर, हम लोग के लीडर्स होते थे उस वक्त राजनारायण और डॉक्टर शर्मा, राधेश्याम शर्मा और डॉक्टर गैरोला, ये 3 नेता थे हम लोग के विश्वविद्यालय से मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का। हम लोग टोलियों में जाया करते थे टेलीफोन लाइन्स को ख़राब करने का, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन को तोड़ने फोड़ने का, मतलब ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने साधन थे कम्युनिकेशंस को उसको नष्ट करने का, क्योंकि बापू की आज्ञा थी कि करो या मरो, उसमें जम के हम लोगों ने भाग लिया। उस वक्त हमें याद है कि महामना हम लोग दिन भर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य करके आते थे और यहाँ पर एक मुंशी कैंटीन था, वहाँ फ्री भोजन मिलता था जितने स्वतंत्रता सेनानी लोग थे। उस वक्त हम लोग को पता था कि महामना कितने कष्ट से गुजर रहे थे, वो विश्वविद्यालय भी बचाना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि यहाँ के नवयुवक, यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी सब भारत छोड़ो आंदोलन में अपना भाग, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति से गुजर रहे थे महामना। और ये उन्हीं की कृपा थी और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे वाइस चांसलर की कृपा थी कि हमारा विश्वविद्यालय बच गया, वरना लॉर्ड वेबल जो कमांडर इन चीफ था उसने आके देखा, उसने कहा कि पूरे देश का सबसे बढ़िया मेडिकल सेंटर आर्मी के लिए बनाने के लिए बेस्ट जगह ही है, तो चला गया होता। लेकिन वाह रे महामना का व्यक्तित्व, डॉक्टर राधाकृष्णन का व्यक्तित्व कि विश्वविद्यालय बच गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनका उनकी इस विचार की अभिव्यक्ति थी कि वो मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए या एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तब एक शिक्षित भारत की ज़रूरत होगी जो कि भारत का पुनर्निर्माण करेगा और उसको एक खास मूल्य आधारित समाज बनाने के लिए भी सचेष्ट होना चाहिए। इन सब संकल्पों के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बाबूजी पर उनको इतना विश्वास था कि जितने कॉन्वोकेशन होते थे पंडित बाबूलाल त्रिपाठी हमारे बाबूजी को ही वो सब कहते थे अरेंज करने के लिए। और आर्ट्स कॉलेज का जो टाइम टेबल था वो बाबूजी ने बनाया था और आज तक हम सुनते हैं वही फॉलो हो रहा है। इसके अलावा चूँकि संस्कृत के श्लोक और धर्म विज्ञान और
और गणित तीनों में बाबू जी जागरूक थे, जानते थे, तो मालवीय जी उनको भी काम होता था, इसीलिए जब बाबू जी जाते थे तो बाबू जी हमको भी साथ में जाते थे, इसीलिए आपने फ़ोटो में देखा होगा कि हम उनके पैर के पास बैठे हैं, तो बाबू जी बराबर ले जाते थे, इसीलिए हमको आशीर्वाद मिलता था। मालवीय जी हमारे पिताजी पर बहुत विश्वास करते थे और मालवीय जी उसी तरह बाबू जी समर्पित भी थे उनके ऊपर। और एक बात और बताऊँ, भारत स्वतंत्र होने के बाद देश में जितने औद्योगिक प्रस्थान थे उसमें आप समझिए अधिकतर विश्वविद्यालय के बैंकों के इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स से उन लोगों ने चलाया उसको। और पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी भारतवर्ष में संविधान बनाने के लिए, उसमें 80 लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। तो ये सब महामाना की देन है। जिस प्रकार वर्तमान संदर्भों में भारतीय संस्कृति को चुनौती दी जा रही है, उस चुनौती के संदर्भ में महामना का स्मरण अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत की परिकल्पना, स्वतंत्र भारत की भी परिकल्पना उस सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके नहीं की थी, जबकि आज उस सांस्कृतिक संदर्भ को नकार करके या बहुत गौण करके ही बातें की जा रही हैं। और इसलिए महामना की इस 150वीं जयंती के अवसर पर हमें अपनी अंतश्चेतना का अवलोकन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा हम उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उन्हें मुक्त करें। मालवीय जी यहाँ किसी कारण से बाहर जा रहे थे तो उनका कर्मचारी उनके साथ था, ट्रेन छूट रही थी तो मालवीय जी जरा तेज कदम बढ़ाते हुए ट्रेन में चढ़ गए और उनके साथ उनका नौकर भी ट्रेन में चढ़ गया। मालवीय जी को ये आभास नहीं हुआ कि इसने टिकट लिया है कि नहीं लिया है। जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो उनके सम्मान में टीसी जो रहा गेट पर वो किनारे हट गया। मालवीय जी अंदर घुसे, बाहर निकल आए पोर्टिको में, उन्हीं के पीछे पीछे उनका नौकर भी निकल के आ गया बाहर। मालवीय जी को ये आभास हुआ कि इसने टिकट नहीं दिया है, तो उससे पूछा उन्होंने कि तुमने टिकट नहीं दिया है। उसने उत्तर दिया कि महाराज जल्दी के मारे टिकट नहीं खरीदता है। तो उन्होंने कहा अरे, कह के वो वहीं स्तब्ध खड़े हो गए। एक मिनट बाद उस नौकर से उन्होंने कहा कि जाओ बनारस को दो टिकट लेके आओ। नौकर बड़ा भयभीत हुआ कि बाबूजी नाराज हो गए हैं टिकट ना लेने के वजह से, अभी बनारस जाएंगे तो टिकट उनसे एक बट नहीं कर सकता रहा, तो टिकट लेके आया। मालवीय जी ने उन दोनों टिकट को फाड़ के फेंक दिया, तब उससे कहा कि अब चलो अंदर। मालवीय जी भारतवर्ष के भविष्य को भारतीय दृष्टि से देखने वाले थे और इसीलिए उनका देश के प्रति अनुराग जो है, ये अनुराग की आज के दिन एक भी निदर्शन और कहीं नहीं मिलता है। आज हम लोगों को तो ये आश्चर्य होता है कि हम लोग धन कमा रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं, नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन देश के प्रति अपना अनुराग हम लोग खो चुके हैं। हम लोग देश का प्यार नहीं करते हैं। मालवीय जी शाम को घूमा करते थे विश्वविद्यालय में, जा रहे हैं तो देखा किसी ने, कोई छोकरा बीड़ी पी रहा था तो बीड़ी पीछे देखा तो मालवीय जी को देख करके फेंक दिया। तो मालवीय जी चले नहीं गए, बुलाया उनको, सुनो। तो आया लड़का तो कहा क्या बात है, तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि नहीं गुरु जी, कुछ नहीं कुछ नहीं।
अन्याय कर रहे थे पता लगता है ना, फेंक क्यों दिया? इससे तो स्पष्ट है कि तुम जानते हो कि अनुचित कार्य है, तो अनुचित कार्य क्यों करते हो? इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हुए वो उपदेश दिया करते थे। एक समय था कि जब हिंदू विश्वविद्यालय को अनुदान देना ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी मूवमेंट महात्मा गांधी छेड़ते थे भारत से 1930 के मूवमेंट में, 1921 के मूवमेंट में, हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र कर्मचारी और शिक्षक उसमें बहुत ही अच्छी तरह से भाग लेते थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुदान बंद कर दिया तो हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने, ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है हर एक के लिए और ख़ास करके यंगर जनरेशन के लिए, हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने महामना को जाके आश्वासन दिया कि हम आधी तनख्वाह पर काम करेंगे, विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा। तो ये भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, बहुत कुछ सीखना है। किसी ने कहा है कि जब मैं गोखले महाराज के पास गया मिलने, तो वह सागर से अधिक गंभीर और गहरे मिले। जब मैं तिलक महाराज के पास गया तो हिमालय की तरह विशाल और ठोस मिले। जब मैं मालवीय महाराज का दर्शन मैंने किया तो उसको निर्मल गंगा की धारा के समान मिले, जिसका सब लोग सेवन कर सकते थे और उससे लाभ कमा सकते थे। यह उनके जीवन का एक विवरण, प्रामाणिक विवरण है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम जानता हूँ। किंतु यदि सच पूछा जाए तो आपके केंद्र से लेकर आपके प्रांत तक, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को भी छोड़ दीजिए, तो अन्य दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वो सब अंग्रेजी प्रधान प्रदेश हैं। देखिए एक उदाहरण इसका है, हमारा संस्कृत कॉलेज जो मालवीय जी ने बनवाया है, उसे देखने से लगेगा कि ये संस्कृत का स्थान है, परंतु इससे प्राचीन है मद्रास का संस्कृत कॉलेज। उस मद्रास के संस्कृत कॉलेज की सेंटेनरी अभी मनाई गई, हम गए, हमको बुलाया, उन्होंने हमको भी सम्मानित किया, क्योंकि उन्हीं के प्रथम छात्र को मालवीय जी ने यहाँ मीमांसा में नियुक्त किया था, चिन्नत स्वामी शास्त्री, अतः उनको मालूम था तो उन्होंने यहाँ से बुलाया, हमको बुलाया, सम्मान किया, और हमने देखा कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ का प्रत्येक भवन उसके ऊपर अंग्रेजी में सब लिखा हुआ नाम उसका। हमने पूछा ये क्या बात है, यहाँ तो आप दूसरी लिपि में लिख सकते हैं। बोले यहाँ अच्छा, और सभा का संचालन हुआ, एक जस्टिस उसके अध्यक्ष थे, उस सभा में कुछ देर तक तो संस्कृत बोली गई, फिर बाद में पूरा अंग्रेजी में संचालन। अतः संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का समाहार उन्होंने उचित समझा, और हमारे उत्तर भारत ने इस संकल्प को छोड़ दिया। मालवीय जी खुद संस्कृत सही बोलते थे। मालवीय जी के विषय में हमारे बड़े गुरु जी ने कहा कि वो बोल लेते थे संस्कृत। सत्यनारायण शास्त्री वैद्य यहाँ थे, बहुत बड़े पंडित भी और वैद्य भी उतने ही बड़े, और उनके यहाँ पंडित सभा होती थी, उस पंडित सभा में मालवीय जी को बुलाया गया। मालवीय जी ने व्याख्यान संस्कृत में दिया, व्याख्यान देने में तो क्या बात है, उनकी सिलभर टंग माने जाते थे, वो व्याख्यान दिया, और बड़े गुरु जी उस समय छात्र थे, उन्होंने ये बताया कि मालवीय जी ने आरंभ से अंत तक भाषण में एक भी अशुद्ध नहीं बोला, इसका मतलब वो सही संस्कृत जानते थे, और वो विद्यार्थी थे। इलाहाबाद की एक प्राचीन संस्कृत पाठशाला है, वो शायद उन्हीं ने स्थापित की है, उसका नाम हमको याद नहीं है इस समय, उसी पाठशाला में वो विद्यार्थी भी थे। उस पाठशाला के 200 वर्ष पूरे हो गए, उन्होंने बुलाया था, हम गए, तो हमने उनसे यही कहा कि हम तो इस पाठशाला के उपकृत हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े हुए ही विद्यार्थी ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय नाम का इतना बड़ा कल्प वृक्ष हमारे लिए बनाया, तो हम तो
आपके बिना निमंत्रण के भी आपकी 200वीं वर्ष ग्रंथी पर उपस्थित होना चाहते, ये हमने वहाँ कहा। मैं इस बात को कहता हूँ और हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय में एक समिति भी गठित की है जो इस पे काम कर रही है कि जो मालवीय जी का सपना था उस सपने को तो इस विश्वविद्यालय ने पूरा किया। उनका मूल सपना था राष्ट्र निर्माण का, कि एक संतुलित व्यक्तित्व के धनी लोग राष्ट्र निर्माण के काम में लगे। तो 100 सालों में वो इस विश्वविद्यालय ने वो काम तो भरपूर किया, उसने ऊर्जा में, स्टील में, रेल में, पावर में, संसद में, समाज के और सभी क्षेत्रों में बहुत सी विभूतियाँ और प्रतिभाएं दी। उन लोगों ने भारत को बनाने में बहुत कुछ किया, लेकिन अब 100 साल में चीज़ें अब उस तरह से नहीं हैं। चीज़ों के प्रति रवैया और दृष्टि बदल गई है, आवश्यकताएं भी बदल गई हैं, तो अब उनको नए सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए। और उसको विश्वविद्यालय कर रहा है कि अपना एक नया नई दृष्टि और विजन विकसित करे जिसपे भारत की निर्माण की प्रक्रिया जारी रह सके। देखिए उनका उनका जो विजन आज, उस समय उन्होंने सोचा था कि देश तो आज़ाद मालूम था कि होगा ही होगा। उन लोग की लड़ाई, हर लोग अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी अलग लड़ रहे थे, ये अलग लड़ रहे। उन्होंने जो ये बात सोची कि अगर हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन लोगों को देंगे तो जब हमारा देश आज़ाद होगा उस समय हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो यहीं के पढ़े हुए हों और इंडियन हों, न कि हम बाहर से अंग्रेज जो यहाँ हैं हमको कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की ज़रूरत पड़ जाए और वो जाए ना यहाँ से। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हर फील्ड, हर एजुकेशन के हर यहाँ पर रखा डिपार्टमेंट्स, जो आज फैकल्टी का ये है, इंस्टीट्यूट का ये उसमें डिपार्टमेंट, कि हमें जो ज़रूरत इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूरत पड़ेगी, सोशल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, संस्कृत के विद्वान की पड़ेगी, और साइंस का है ही है, मैन कॉमर्स का है। तो उन्होंने उस समय सोच लिया था कि हमें जब देश आज़ाद होगा तो हम इंडियंस, यहाँ के पढ़े हुए, यहाँ के बैकग्राउंड के लोगों को हम करेंगे, तभी उनमें देशभक्ति होगी और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक चीज़ और याद है, महामना का कष्ट जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो हिंदू विश्वविद्यालय के सभी लोग जो उसमें भाग ले रहे थे, हमको वो सीन याद है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी वाइस चांसलर की गाड़ी रोककर आर्ट्स कॉलेज के मैदान के पास हम लोग मीटिंग कर रहे थे और वो अपना उतर के वो आने लगे तो हम लोग भागे। तो उस वक्त ये पता लगा कि महामना ने भेजा है इनको कि देखिए कोई तोड़ फोड़ न हो, विश्वविद्यालय के अंदर कोई तोड़ फोड़ न हो। वो बहुत ही विषम स्थिति थी। महामना हिंदू विश्वविद्यालय को भी बचाना चाहते थे और साथ में भी चाहते थे कि हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उस महापुरुष के हृदय पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही नैतिकता से जुड़ी हुई एक और घटना है उनकी, रमाकांत जी के, मालवीय जी के जो सबसे बड़े लड़के रहे रमाकांत जी, उन्होंने विश्वविद्यालय में कोई एडवर्टीजमेंट निकला नौकरी के लिए, उन्होंने अप्लाई किया, बाकायदा इंटरव्यू वगैरह हुआ, एक्सपर्ट है, सब हुआ, उस सारे के बाद उनकी नियुक्ति हो गई वहाँ। तो वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए, आके मालवीय जी से उन्होंने कहा कि बाबू हमारी नौकरी वहाँ लग गई। तो मालवीय जी ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया, बहुत अच्छा हुआ। एक हफ्ते के बाद मालवीय जी ने रात के समय उनको आवाज़ दिया, पुकारा, वो आए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि रमाकांत, हम चाहते हैं कि तुम नौकरी से इस्तीफा दे। स्वयं मालवीय जी को ही लग रहा था कि हम अनायास इससे इस्तीफा देने का कह रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि हम ये जानते हैं कि किसी तरह के कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो भी सुनेगा
वो ये सोचेगा कि मालवीय जी के प्रभाव से ये नियुक्ति हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस्तीफा दे। और उन्होंने बिना किसी नाम नुकर के दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। स्वर्गीय पंडित राजमोहन उपाध्याय मेरे पिताजी थे और वो मैंने उनको देखा है कि वो जब भी मालवीय जी का स्मरण करते थे, लोगों से उनकी चर्चाएं करते थे, तो उनके नेत्रों में सिर्फ अश्रुपात ही दिखाई पड़ता था और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे महामानव, ऐसे देव पुरुष का आज भी लोग स्मरण, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका स्मरण करके अश्रुपात करते हैं। तो मालवीय जी को मैं यही मान सकता हूँ कि वो देव कोटि की व्यक्ति थे और उन्होंने जो अपने समाज के लिए, देश के लिए जो कार्य किया है, वो इस युग में हमें ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता है। भावना 1942 में जब सिल्वर जुबली यहाँ मनाया गया, हिंदू विश्वविद्यालय का रजत जयंती समारोह जब हुआ, तो उस वक्त जो है एम्फी थिएटर ग्राउंड पर देश के करीब करीब सभी नेता, सभी लोग वहाँ हुए थे, आए हुए थे। और महात्मा गांधी ने कॉन्वोकेशन में अपना भाषण दिया था, वो भाषण हमको अभी तक उसमें कुछ बातें याद हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं हिंदू विश्वविद्यालय में आ रहा था तो मैंने देखा बड़े बड़े शब्दों में इंग्लिश में लिखा हुआ बनारस यूनिवर्सिटी और उसके ठीक नीचे छोटे शब्दों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मुझे बहुत ही खेद हुआ ये देखकर कि हिंदी का ये स्थान देखकर आपको ये बताएं। हम लोग को इतनी खुशी हुई कि बापू के इस कथन के बाद कॉन्वोकेशन में जो है 15 दिन के अंदर वो सब बदल गया। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप देखेंगे अब भैया बनारस यूनिवर्सिटी छोटे में हिंदी में आ गया था। उनके बारे में मैंने सोचने में आंखों से आंसू आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा हृदय, ऐसी दृष्टि आज हम लोगों को विशेष रूप से आवश्यक है। संस्कृत पढ़कर के पोंगापंथी होना ये आवश्यक नहीं है, जीवन के साथ ताल रख करके चलने की शिक्षा लोगों को प्राप्त होना चाहिए। और आधुनिकता विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीयों को अपना परिचय प्रतिष्ठित करना है। इस प्रकार की एक असाधारण चिंतन उनके जीवन में हम लोग मुखरित होते हुए देखा। हम लोग दुर्भाग्य है कि हम लोग जिस समय आए हैं उस समय उनकी स्मृति ही रह गई है, और उस वह स्मृति गौरव की स्मृति है, उस श्रद्धा की स्मृति है। मालवीय जी के साथ सीखने ही सीखने की सारी चीज़ें हैं। मुश्किल ये है कि उन मूल्यों को आज कोई मानने को तैयार है या नहीं है। इस आपाधापी के युग में कोई उधर सोचेगा भी ये भी नहीं समझ में आता है। लेकिन मालवीय जी का तो पूरा व्यक्तित्व जो है वो केवल सीखने के लिए है ही। उन्होंने जो कुछ किया है, जो भी उनके विचारधारा थी, वो सब सीखने वाली ही है। हम लोग सुने हैं, सुनी कथा है कि बिरला जी के पास मालवीय जी ने बहुत पैसा यूनिवर्सिटी के लिए लिया। बिरला परिवार ने कहा अब मैं आपको एक पैसा आपको नहीं दूंगा, हम आपको नहीं, हमारे अब यूनिवर्सिटी के नाम से हम पैसा नहीं देंगे आपको। मालवीय जी ने कहा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहने आपको नहीं देंगे। चले आए, दो बार तीन बार मालवीय जी उनके पास गए, भाई बिना पैसे का कुछ होना नहीं है, काम होना है, काम रुक रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ठीक अच्छा चलना पड़ेगा बिरला के पास। तो उन्होंने एक विद्यार्थी लेकर साथ में गए, ब्राह्मण विद्यार्थी को साथ लेकर के गए अपने बिरला जी के पास, गए भाई आप दाता हो, हम याचक हैं, हमें कह दिया हम आपको देंगे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं देंगे, बहुत पैसा हमने यूनिवर्सिटी को दे दिया, ये ठीक है हम ही को दीजिए। तो जो भी उन्होंने दान दिया मालवीय जी को, उस वक्त मालवीय जी ने वो पैसा लिया और उसमें एक रुपये अपना मिला करके उस विद्यार्थी को उन्हीं के सामने
यूनिवर्सिटी के नाम से वो पैसा आ सकता है। किस तरह से मालवीय जी त्यागी पुरुष थे। हम लोगों को मुख्य रूप से इस बात का हक रहे कि हम लोग उस संस्था में काम कर रहे हैं जिसको इतने बड़े मनीषी ने जिसकी स्थापना की थी। और मालवीय जी के बारे में तो हम क्या बताएं कि मालवीय जी को तो पूरा विश्व ही नमन करता है। हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य का क्षेत्र रहा हो, संस्कृति का क्षेत्र रहा हो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का क्षेत्र रहा हो, मालवीय जी ने उस युग के एक बहुत बड़े मनीषी के रूप में हर क्षेत्र में अपनी जीवंतता का, अपनी तेजस्विता का परिचय दिया है। और विश्वविद्यालय की परिकल्पना, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की परिकल्पना उस समय जब हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, अपने आप में ही बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इतने बड़े बृहद परिक्षेत्र में विश्वविद्यालय को बनाना, उसकी परिकल्पना उस समय करना जब उनके पास कहीं कुछ भी नहीं था, यह देख सुनकर समझकर ही बहुत आश्चर्य होता है कि इतने भूभाग में आज विश्वविद्यालय को स्थापित हुए लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं, फिर भी हर क्षेत्र में तमाम विकास होने के बावजूद यह विश्वविद्यालय उन सभी चीज़ों को अभी भी अपने अंदर समाहित करने में संभव है जिसकी परिकल्पना मालवीय ने संभवतः आज से 100 या 125 साल पहले की होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय के घर पर शिवप्रसाद गुप्त जी, जो एक नोन नेम है, दुनिया में सभी लोग शिवप्रसाद गुप्त जी को जानते हैं, शिवप्रसाद गुप्त जी उनके घर गए हुए थे। गर्मी का दिन था, बड़ा उनको प्यास लगा था, तो बोले कि भाभी कुछ पानी पीने को मिलेगा। उनकी पत्नी ने पानी ला के रख दिया। बोले भाभी थोड़ा अगर गुड़ या चीनी कुछ मिल जाता तो, गर्मी का दिन है, बड़ा आनंद आता। तो भाभी जी 2 मिनट बाद चुपचाप बैठी थी, रोने लगी। तो शिवप्रसाद गुप्त जी ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। बोली भैया 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं बना है, कुछ है ही नहीं। शिवप्रसाद गुप्त जी रोने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी कल्पना को साकार करने जा रहा है कि काशी की धरती पर एक इतने बड़े विश्वविद्यालय की नींव डालने की जो उनकी प्रोग्राम था उस पर वो कार्य करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति देश विदेश सब जगह जहाँ भी गए लोगों से अपने व्यक्तित्व के बदौलत उन्होंने दान लिया और विश्वविद्यालय की नींव रखी और उसको बनाया। उसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, ये था मालवीय जी का व्यक्तित्व। और शिवप्रसाद गुप्त जी ने फिर बोला कि अब ये घर मेरा घर है, इसका जो परिवार का जो भी वहन करना उसको मैं देखूंगा, हमारा भाई इतनी बड़ी कल्पना को साकार करने जा रहा है, हम लोग इस कार्य को भी नहीं कर सकते। बड़ा उनको दुख हुआ। हम ये कहेंगे कि इतना आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब उनका पहनावा देखिए कितना पारंपरिक था, लेकिन अगर देखा जाए तो कितना गंभीरता उनके उस पर आती है जब उनकी फ़ोटो देखी है। जितनी भी फ़ोटो उनकी हम लोग यूनिवर्सिटी में मूर्ति फ़ोटो देखते हैं तो गंभीरता और एकदम आकर्षक व्यक्तित्व लगता है। और लगता है कि इस पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने इतना बड़ा मॉडर्न विचार के आदमी थे, ये कितनी बड़ी बात है। और हम ये सोचते हैं कि आज के जो युग में जो यंग जनरेशन है, हम लोग सोचते हैं कि किसी फॉर्मल जगह जाएं तो टाई सूट में जाएं, या बहुत अच्छा ट्रेडिशनल पहना चाहे तो बंद गले के कोट में जाएं। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन द कंट्री। वो एक ऐसी मिसाल हैं, इस बात की मिसाल हैं, विजनरी इन ट्रू सेंसेस, कि जिसने लेट 19th सेंचुरीज में, उस ज़माने में 1880 से 1900 के बीच में, उन्होंने वो विजन रखा जो आज 2012 में भी मोस्ट वांटेड विजन है, जो आज 2012 में भी एक तरह से देखें तो वो फ्यूचरिस्टिक विजन है। इनकी तुलना मालवीय जी की अगर किसी से हो तो मैं जानता हूँ सर थॉमस नाम है, जिन्होंने सिंगापुर की स्थापना की। ऐसे ही था जैसे कि अपने आप में एक शहर की स्थापना करना, ये इतना बड़ा हरकुलिन टास्क। पंडित जी ने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुरू किया
उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे बाल बच्चे मेरे परिवार के लोगों का जो है उद्धार होगा, उन लोग जो हैं बहुत बड़े धन पशु बनेंगे, बहुत बड़ा डायनेस्टिक रूल होगा। उन्होंने ये केवल ये विद्या का मंदिर इसलिए खोला क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पूरे देशवासी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 4 साल की उम्र से ले करके PhD तक उन लोग करके यहाँ से निकल सकते हैं, हर सब्जेक्ट में इन लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। उन लोग के अंदर एक विश्वास है कि अगर हम लर्न कर सकते हैं तो लर्निंग में जो है EARN सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए कि ढेर सारा हम पैसा बनाए और बाकी लोगों को कुछ हो ना हो, कंट्री में जो है पोल्यूशन हो जाए, गंगा जी सूख जाए, कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब है, हम तो अपना कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब या हम तो अर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग में से विद्या के जो अंग्रेजी शब्द लर्निंग में से इन्होंने L हटा दिया है और L का मतलब है लव। ये है देश का प्रेम और अपने पूरे सोसाइटी के लिए प्रेम, हर धर्म और कास्ट और जाति के लोगों के लिए प्रेम, अपने तौर तरीके कल्चर के लिए प्रेम और सब लोगों के लिए, जितने भी मानवता है, जितने भी इंसान है, उनके लिए प्रेम। अगर हम लोग उस अर्न के साथ ये L जोड़ दें, प्यार, लव योर नेबर एज योर सेल्फ, हर इंसान हमारा नेबर है, उसको हम लोग प्यार करें, तो तब शिक्षा बन जाएगा अर्न। तो अर्न प्लस L फॉर लव बिकम्स लर्न, और तभी विद्या जो है आपको मिलेगी। और यही हमें लगता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने लाइफ से उदाहरण जो है आजकल की युवा पीढ़ी को दिया, he loved। मालवीय जी आज नहीं है, नश्वर शरीर है, जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। लेकिन व्यक्ति बड़ा वही है जो मरने के बाद भी जिसे लोग याद करें, जिसे लोग पूजे, जिसे लोग सीखना जिससे चाहें, वही व्यक्ति बड़ा है। और मालवीय जी का जो व्यक्तित्व तो है, हमें लगता है कि कहीं भी कोई रहे, जो इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा है, आप किसी से पूछिएगा, जो दुनिया में किसी भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर होगा, BHU का वो विद्यार्थी, आप उससे पूछिएगा तो वो कहेगा कि मालवीय जी का आशीर्वाद मेरे पर। जिस समय जो है विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, उस समय जो शिक्षा की हालत थी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खोले उस समय, ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए हिंदुस्तान में, कि आज हिंदुस्तान में यदि वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहता तो जितने भी इंडस्ट्री लगे हैं, जितने भी इंजीनियर की ज़रूरत थी, वो सिर्फ जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने पूरा किया। और आज विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोग जो है वहाँ, राजनीतिक व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनको जो अमरत्व मिला, जो अमर हुए, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने बनारस में काम किया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी एक पहचान या एक दिया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, वो जो है उनके अमर रहेंगे और जब तक ये सब चीज़ें रहेंगी। 76 से लेके सन 79 तक हम BHU में हमने BCOM किया है। हम लोग के समय में हम लोग की कॉमर्स फैकल्टी अलग नहीं हुआ करती थी, हम लोग आर्ट्स फैकल्टी के अंदर स्टडी करते थे पार्ट टाइम में। उस समय हम लोग का एक टूर कलकत्ते गया था शिक्षा से संबंधित, तो वहाँ पे एक व्यापारी उद्यमी हैं ठाकुर रतन पाल सिंह जी, उनसे उन्होंने हम लोग को अपने यहाँ डिनर बुलाया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस टूर में नहीं जा सका था। और उन्होंने हमारे बच्चों, हमारे जो साथी थे, उनसे यहाँ के बारे में पूछा, तो हमारे साथियों ने बताया कि हम लोग की अपनी बिल्डिंग नहीं है जहाँ हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। उन्होंने उसी समय जो है 27 लाख रुपए, आज से 30 साल पहले, मतलब आज सन 78-79 में, उन्होंने 27 लाख रुपए वहीं डोनेशन उन्होंने अनाउंस किया और हम लोग को डोनेशन दिया, जिसकी बदौलत आज यहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी की अपनी बिल्डिंग तैयार हुई और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग की आने वाली जनरेशन पढ़ रही है। इसकी
तो नेचुरली हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस BHU से मिला। अब BHU से पढ़ने के बाद आज हम लोग का सर ऊंचा उठता है कि हम ऐसी शिक्षा संस्थान से पढ़े हुए हैं जहाँ के विश्व के लोग आज ललायत रहते हैं पढ़ने के लिए। आदि आदि की अरुणोदय में अरुण शिखावन आया था, आदि आदि के अरुणोदय में अरुण शिखावन आया था, कौन जागरण दूत बना था, किसने राह दिखाई थी, कौन जागरण दूत बना था, जग को राह दिखाई थी। ये उनको बहुत अच्छा लगता था, बराबर कहते थे कि भारतवर्ष जो है जगत का गुरु है, और ये गाना उनको बहुत प्रिय था इसीलिए। और सुना था मैंने यही कि अंत में वो छटपटा रहे थे और उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो बिरला जी ने उनसे कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ मैं विश्वनाथ जी का मंदिर मैं बनवा दूँगा, पूरा कर दूँगा, आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने कहा बनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद ही उनके प्राण निकले। तो सब लोग यही कहते हैं कि उनके प्राण अटके हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो ही बना हुआ है BHU में उसको बनवा के पूरा करना चाहते थे। उनको जब वो आश्वासन मिल गया तब उन्होंने शरीर छोड़ा। बनारस का परिचय अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो काशी विश्वनाथ और सारनाथ ये दो स्थान हैं जिन दो स्थानों के कारण काशी का परिचय विश्व भर में प्रतिष्ठित है। लेकिन उसी के साथ साथ तृतीय जिस व्यक्ति का नाम हम लोगों को लेना पड़ता है वो है मदन मोहन मालवीय। ये बनारस के नहीं थे, इलाहाबाद से यहाँ आए थे, और इस मालवीय विद्वान ने काशी के परिचय हुए चार चांद लगा दिया, और काशी आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कारण सुप्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, सारे विश्व में इसका अपना एक विशेष स्थान विशेष महत्व आज स्वीकृत है। मालवीय जी ने अपने जीवन का पूर्ण अपने जीवन को सौंप कर इस नगरी को गौरवित किया है, सिर्फ देश को ही नहीं अपने कुल को ही नहीं सारे विश्व में सारे बनारस को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान देने में मदन मोहन मालवीय ने जो काम किया है उसकी कोई शानी नहीं है, कोई तुलना हम लोग दूसरे किसी से नहीं कर सकते। क्या कहा जाए,